दोस्तों, माता रानी के भक्त माता रानी की भक्ति बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं। इस पृथ्वी पर माता रानी के बहुत से चमत्कार प्रचलित हैं, क्योंकि जब भी माँ के भक्तों पर कोई विपदा आई है तो माता रानी उनको बचाने के लिए कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर करती हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से ज़रूर लिखें जय माता दी, माता रानी आप सभी की झोली खुशियों से भर देगी। दरअसल दोस्तों, जिस चमत्कार की मैं बात कर रही हूँ, यह घटना झारखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाली कामिनी की है, जिसकी उम्र महज 20 साल की होगी। कामिनी बचपन से ही धर्म कर्म के कामों को पूरी लगन से करती और उसकी भावना भगवान के प्रति हमेशा से ही अधिक थी। इतना ही नहीं, वे किसी गरीब को देखती तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देती थी और अन्य लोगों की मदद भी करती थी। कामिनी हर साल सर्दी के मौसम में लोगों को पुराने कपड़े दान में देती थी और साथ ही उनको खाने पीने की चीज़ें भी देती थी। भले ही कामिनी के पास कुछ ना हो, लेकिन वो हमेशा से ही दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी। समय बीतता गया और एक बार छठ पूजा का पर्व आया, जिसको कामिनी भी मानती थी। छठ पूजा से एक दिन पहले अचानक से मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो गई। इसके बाद अगले दिन जब छठ पूजा शुरू हुई तो मौसम ठीक ठाक हो गया और अच्छी खासी धूप भी निकल आई थी। आप जानते होंगे कि छठ पूजा का पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन जब कामिनी पास की नदी में छठ मैया की पूजा करने पहुंची तो वहां पर उसके साथ एक हादसा घटित हुआ, जिसके बाद से कामिनी की पूरी दुनिया ही पलट गई। जी हाँ, उस दिन मौसम भी काफी बिगड़ा हुआ था। आसमान पर काले काले बादल छाए हुए थे। बिजली की गड़गड़ाहट के बीच सभी श्रद्धालु नदी में छठ मैया की पूजा अर्चना कर रहे थे। छठ पर्व के दौरान नदी में लोगों की भारी भीड़ थी, जिस कारण नदी में धक्का मुक्की का माहौल बना हुआ था। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दलों को भी तैनात किया गया। ऐसे में कामिनी भी छठ मैया को जल अर्पित करने के लिए नदी में खड़ी हो गई। देखते ही देखते वो नदी के बीचों बीच पहुंचकर पूजा करने के लिए खड़ी हो गई। अचानक से तेज बारिश हुई और नदी के पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे कामिनी बहते हुए दूर किसी जगह पर पहुंच गई। कामिनी को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो नदी के बहाव में बहती हुई कहीं दूर चली गई और धीरे धीरे नदी के अंदर माने लगी। तभी कामिनी को लगा कि वो अब नहीं बचेगी और उसकी मौत अब निश्चित है। लेकिन फिर भी वो मन ही मन माँ दुर्गा का नाम जपने लगी और उनसे कहने लगी कि हे माँ, मेरे प्राण बख्श दो। कुछ ही देर में कामिनी को पानी के ऊपर एक छोटी सी लड़की दिखाई दी, जिसने अपना हाथ कामिनी को बचाने के लिए आगे बढ़ाया था। काफी देर तक नदी के पानी में रहने से कामिनी की आंखें बंद होने लगी। उसने अपना हाथ उस लड़की के हाथों में दे दिया। फिर उस लड़की ने कामिनी को पानी से बाहर निकाला और नदी किनारे छोड़ दिया। इसके बाद कुछ देर में उस नदी के किनारे गांव के कुछ लोग वहां आए और कामिनी को किनारे पर पड़ा देखकर शोर मचाने लगे। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और कामिनी को भी होश आ गया। गांव वालों के पूछने पर कामिनी ने अपना नाम पता बताते हुए सारी घटना बताई कि कैसे वो छठ पूजा के दौरान पानी में बहते हुए यहाँ तक पहुँच गई और किसी लड़की ने उसको पानी से बाहर निकाल कर उसकी जान बचाई है। लेकिन गांव वालों ने बताया कि तुम अकेली थी, अब वो लड़की कहाँ है। काफ़ी सोचने के बाद कामिनी को समझ आया कि वो कोई और नहीं थी, स्वयं माँ दुर्गा ने एक बच्ची के रूप में आकर उसकी जान बचाई है और माता यहाँ से अब जा चुकी हैं। कुछ देर बाद कामिनी के घर वालों को इस घटना की सूचना पुलिस द्वारा दी गई और फिर कामिनी खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।